हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टील वायर रोप लोड कैलकुलेशन के बारे में, यानी कि स्टील वायर रोप जिसे कि इस्तेमाल किया जाता है क्रेन्स हाइड्रास के साथ, लिफ्टिंग इक्विपमेंट के साथ, जहां पर हमें हैवी इक्विपमेंट को लिफ्ट करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, वहाँ पर हम इन स्लिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कितने साइज के स्लिंग से हम कितना लोड उठा सकते हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साइज का स्लिंग है वो कितना लोड ले सकता है। चाहे वो हैवी इक्विपमेंट्स हो, हैवी पार्ट्स हो, या फिर हैवी स्ट्रक्चर्स हो जिसे हमें लिफ्ट करना है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट जैसे कि हाइड्रा या फिर क्रेन से, तो उसके लिए स्लिंग्स का, वायर रोप स्लिंग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान होते हैं, इजी टू हैंडल होता है। तो इसके फॉर्मूला को मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से आप इसका लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितने इंच का आपका स्लिंग है वो कितना लोड ले सकता है। और ये सिंपल फॉर्मूला है, लोड कैपेसिटी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर। यहाँ पर डी जो है आपका जो वायर रोप स्लिंग है उसके डायमीटर को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर डायमीटर डी आपको इंचेस में रखने हैं। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा। एग्जांपल में मैं पहले लूंगा हाफ इंच का हमारा अगर स्लिंग है तो उसका लोड कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी कि मैक्सिमम वो कितना लोड ले सकता है ये बताता हूँ आपको। तो देखिए, हाफ इंच का स्लिंग है तो हाफ इंच यानी 8 मल्टीप्लाई बाय डी का स्क्वायर, डी हो गया हाफ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो यहाँ पर आ गया 2 टन। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यानी कि हाफ इंच के स्लिंग से 2 टन लोड आसानी से उठाया जा सकता है। अब 1 इंच के स्लिंग से सिमिलरली हमने इस फॉर्मूले पे पुट कर दिया 8d² d, यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 8 टन, यानी कि 1 इंच के स्लिंग से 8 टन तक का लोड आसानी से उठाया जा सकता है। अब 1.5 इंच का जो स्लिंग है हमारा, वायर रोप स्लिंग है मेटल का, उससे हम कितना उठा सकते हैं, तो सेम फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 18 टन, यानी कि 1.5 इंच के स्लिंग से आप 18 टन तक के इक्विपमेंट या फिर जो भी आपको लिफ्ट करना है, कंस्ट्रक्शन पार्ट हो, उसको आप लिफ्ट कर सकते हैं सेफली। देखते हैं अब 2 इंच का हमारा स्लिंग है उससे हम कितना वजन उठा सकते हैं मैक्सिमम, तो ये हो गया आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2, और ये आ गया 32 टन, यानी कि 32 टन तक का वजन आप उठा सकते हैं 2 इंच के स्लिंग से। और इस फॉर्मूले से आप कितने भी मोटे और कितने भी पतले स्लिंग का लोड कैपेसिटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी इक्विपमेंट को उठाने के लिए कभी कभी सिंगल स्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और ज़्यादा बड़े इक्विपमेंट को उठाने के लिए मल्टीपल स्लिंग्स का, यानी एक साथ 2, 4, 6 स्लिंग्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 1 लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।